बट अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो कबर्ड में रहकर पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा या तो कभी बढ़ेगा नहीं। तो आपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर बहुत नॉलेज नहीं है तो इसमें पैसा डालना एक रिस्क है, बट इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लान। कि अगर आपको SIP में आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। फाइनेंस में कंपाउंडिंग होता है, जिसे वर्ल्ड में आठवां अजूबा माना गया है फाइनेंस का। नमस्ते मैडम, लास्ट टाइम आपने मुलाकात हुई थी तब आपने मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ टिप्स दिया था, जिसमें कि बैंक में FD और RD के बारे में आपने बताया था। मैं चाहूँगा कि इसके अलावा और कुछ इन्वेस्टमेंट कहाँ मैं अच्छी तरह रिटर्न मिल सकते हैं, मुझे ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बता सकते हो? सो फ्रेंड्स, देखिए हमारे साथ मिस्टर संदीप मुड़े जी हैं, जिनकी उम्र आज 50 साल है, और उनको लास्ट टाइम मैंने कुछ FD स्टॉक मार्केट्स के बारे में बताया था। बट आज उनका सवाल ये है हमारे लिए कि आज उनकी उम्र हो गई है 50 और उम्र के 65 साल, मतलब आज से 15 साल बाद वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले, सो दैट वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी अच्छे से जी पाए। बराबर संदीप जी, आप यही कहना चाहते हैं मुझसे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि संदीप जी हमने क्या करना चाहिए कि उम्र के 15 साल बाद आपके पास अच्छे रिटर्न्स कैसे मिलेंगे कि आप एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी पाएंगे। मस्त प्लान है। तो देखिए, हमेशा से सेविंग तो हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं और बाकी के लोग भी करते हैं, बट अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं तो कबर्ड में रहकर पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा या तो कभी बढ़ेगा नहीं। आपको क्या करना होगा उसके लिए, तो आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हर बार दिमाग में कसमकश रहती है कि इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कैसे करूँ, मेरा पैसा कहीं रिस्क में ना चले जाए। जैसा आपका सवाल है वैसे बहुत से लोगों का भी सवाल है, जो कि बहुत से सवाल मुझे दिन भर में मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी रिटायरमेंट लाइफ चाहते हैं, अगर आप सच में आपके गोल्स अचीव करना चाहते हैं मुड़े जी जैसे, तो आपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूँ, आज इस वीडियो में मुड़े जी को बताते समय अगर मैं शेयर मार्केट की बात करती हूँ, तो शेयर मार्केट में पहले जो इम्पोर्टेंट 3 डिविजन्स आते हैं, जो कि है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और तीसरा है SIP, जिसमें से मैं मुड़े जी को आज एक सजेस्ट करने वाली हूँ कि उनने क्या करना चाहिए। मुड़े जी, आप साल में आपकी मंथली सैलरी कितनी है लगभग? ओके, मुड़े जी की सैलरी 50,000 है, जो कि एक अच्छी सैलरी है, एक एवरेज इंसान की अच्छे से चल जाता है घर वगैरह, बट उसमें से आप कुछ सेविंग भी करते होगे मंथली? ओके, ये मंथली 5,000 सेव करते हैं, विच इज अ गुड हैंडसम अमाउंट। अगर मुड़े जी आप सेविंग करते हैं, और वो पैसा आप कहाँ रखते हैं, कबर्ड में रखते हैं, घर में रखते हैं कि बैंक में रखते हैं? मेरा RD है बैंक में, 3,000 रुपए का। ओके, और 2,000 रुपए का पोस्ट RD। ओके, और इसके अलावा भी आप कुछ और इन्वेस्टमेंट्स चाहते करना? ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि स्टॉक मार्केट में आज हम 3 चीजों के बारे में ज्यादा जरूरी से समझ के लेंगे। तो पहला आता है स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में आता है, जिसमें हम कभी भी पैसे डालते हैं तो ये एक हाई रिस्क पे पैसा चलता है। इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बट ये हाई रिस्क पे हमारा पैसा चलता है। और साथ ही साथ शेयर मार्केट में स्टॉक्स का आपको अच्छा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर एक कंपनी के बारे में पता होना चाहिए जो BSE और NSE के अंडर आती है, क्योंकि कौन सी कंपनी में उतार चढ़ाव हो रहे, ये इस चीज का भी आप में समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सही? बट इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको डेली थोड़ा समय निकाल के स्टॉक मार्केट पे देना पड़ेगा, आपको मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी। बट जैसे कि आप बता रहे हैं आप कहीं जॉब पे है, तो क्या आप दिन भर में थोड़ा समय निकाल पाते हैं? हाँ, मुश्किल भी है और रिस्क भी है, राइट? तो स्टॉक मार्केट में अगर बहुत नॉलेज नहीं है तो इसमें पैसा डालना एक रिस्क है, बट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा जो होता है मुड़े जी, वो होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड्स होता है, जो कि हमारा MF करके बोला जाता है, म्यूचुअल फंड्स, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान होते हैं, जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट डालनी पड़ती है और उसके फिर आपको कई साल बाद रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे FDs होते हैं और भी जो भी हमारे RDs वगैरह है उस तरीके से। बट जो इम्पॉर्टेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और जो जिसकी मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि जो आपने करना ही चाहिए, वो है SIP। SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक कम रिस्क पे चलने वाला इन्वेस्टमेंट प्लान है,
जिसमें कि आपकी रिस्क तो होती है बट बहुत ही ज्यादा कम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें आपको ध्यान देना पड़ता है क्या, मार्केट स्टडी करनी पड़ती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, आपको इसमें कोई भी मार्केट का स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी आपके फंड मैनेजर होते हैं जिसके पास आप SIP लगाते हैं, शुरू करते हैं, तो आपके फंड मैनेजर ही आपके पैसों को स्टॉक्स में डालते हैं और जब उसको अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल जाते हैं और आपको उसका अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं। अब आप बात करेंगे मुड़े जी, आप कम से कम कितना समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करेंगे? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए, इससे कम नहीं। तो फ्रेंड्स आप और एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको SIP में आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा मुड़े जी, आपको जान के खुशी होगी कि फाइनेंस में कंपाउंडिंग होता है, जिसे वर्ल्ड में 8वां अजूबा माना गया है फाइनेंस का। फ्रेंड्स अगर आप पैसे 5 साल, 8 साल, 10 साल और 15 साल के लगाते तो आपका पैसा कंपाउंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और कंपाउंडिंग मतलब आपको लगभग लगभग डबल का अमाउंट आपको मिलता है एट द 15 ईयर्स ऑफ योर एज। आप 15 साल बाद आपको इसका रिटर्न्स, काफी अच्छे रिटर्न्स देके ये जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तो मुड़े जी मैं आज आपके उस सलाह यही दूंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आपने जरूर SIP में करिए, क्योंकि आपको अगर आपकी सिक्योर्ड लाइफ, रिटायर्ड लाइफ सिक्योर करनी है तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको लमसम अमाउंट भी डिपॉजिट नहीं करनी होगी, इसे आप मंथली भी कर सकते हैं, बट अभी एक नए नॉर्म्स ये भी आ गए हैं कि आप इसे वीकली भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास हफ्ते में पैसे बच जाते हैं कुछ, आप अगर चाहते हैं कि मैं हफ्ते की हफ्ते कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो SIP में आप वीकली प्लान्स आ गए हैं। अगर आपसे वीकली नहीं हो पा रहा है तो हाफ मंथली भी कर सकते हैं, महीने में 2 बार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मंथली तो आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके फंड मैनेजर उस पैसों को ख्याल रखते हैं और फिर उसके आपको काफी समय, काफी अच्छी तरीके से उसके रिटर्न मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुड़े जी के साथ साथ आप सभी को भी SIP की कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। सो मुड़े जी कब से शुरू कर रहे हैं आप? आने वाले 1 तारीख से। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मुड़े जी। तो देखते हैं, मुड़े जी ने तो शुरुआत कर ली है, मन बना लिया है, क्या आपने अपना मन बनाया है? सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जल्दी से जल्दी अपनी SIP शुरू करिए। थैंक यू सो मच।